हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और आज थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है। आज बहुत कुछ सोचा था करने को, बट मेरे तरफ से तो कुछ नहीं होने वाला। आज थोड़ा बोझा मेरे पति देव पे पड़ चुका है। देखिए क्या हो रहा है। हेलो, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम मेरे ऊपर आया हुआ है कि मेरी वाइफ थोड़ी सी लो फील कर रही है कल से, और थोड़ी सी वीकनेस हो गई है उसको। आज सारा काम घर का मुझे ही करना पड़ेगा। संडे था, सोचा था मस्ती करूँगा, और ये मस्ती देख लीजिए। पहले तो उसको खिलाओ, और अभी बहुत सारा घर का काम भी बाकी है, तो मुझे ही करना है। तो देखिए ऐसा बिकता है, होपफुली इंजॉय करूँगा इसको भी करके। अभी खाना भी बनाना है, आज खाना यही बनाएंगे, चाहे जैसा भी बनाए मैं खा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा लो, इतना ज़्यादा वीकनेस लग रही है कि हिम्मत नहीं हो रहा है कि उठ के जाऊँ कुछ काम करूँ। संडे है वैसे भी, आज मुझे भी तो थोड़ी छुट्टी मिलनी चाहिए। आप लोग को ये ना लगे कि संडे वाले दिन जानबूझ कर तबीयत ख़राब करने का बहाना तो नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम से ही थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ मैं, हल्का सा पेट में भी दर्द हो रहा है। किस वजह से हो रहा है पता नहीं, यहाँ गर्मी भी बहुत है। देखते हैं आज शाम तक अगर ठीक फील लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। इस टाइम कोई डॉक्टर भी तो नहीं मिल रहा है प्रॉपर कि आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हो सके, इसीलिए पूरी कोशिश करते हैं हम लोग कि घर पर ही हम लोग रहकर ठीक हो सके तो ज़्यादा अच्छा है। खैर आज दिन भर का आपको रूटीन मैं दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड कैसे घर संभालते हैं और बेबी को संभालते हैं। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, मैं वान्या के साथ उसको दूध पिला रहा था। अब वो काम ख़त्म हो गया, दूसरा काम देखते हैं क्या अभी बचा हुआ है अपने पास। तो चलते हैं किचन साइड में और देखिए वहाँ छोटा सा काम क्या छोड़ा हुआ भाई ने मेरे। वान्या वान्या, आज बेटा मम्मा तबीयत खराब है तो आज काम हम दोनों को करना है। हाँ। ओके? और पापा को ज़्यादा परेशान तो नहीं करोगी? नहीं, नहीं करोगी ना? चलो कोऑपरेट करोगी ना? हाँ। चलो गाइस को बोलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं वान्या सिंह। तो चलते हैं किचन में, देखें क्या हालत है। किचन में अभी फ़िलहाल बर्तन तो थोड़े से ही, चलिए ये तो मैं धुल दूँगा, और वान्या को दूध पिला ही दिया है तो अभी देखते हैं दूसरा काम। ठीक है, ओके। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस क्लिप में मेरी वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मुझे वान्या को केला खिलाना था और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस म्यूट कर दिया था। अब मैंने उसको केला खिला लिया, खिला रहा हूँ, इसके बाद आप मेरी आवाज़ सुनेंगे नई क्लिप में। तो वान्या को केला खिलाने वाला टास्क कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टास्क मेरा है वो है ये बर्तन मांजना। वैसे तो सारे बर्तन रात में रागनी ने मांझ ही लिए थे, मेरे लिए थोड़े से हैं। अब इसको कर ले, फिर कुछ खाने का इंतजाम करना है मुझे, तो मैं ये कर लूँ, फिर दोबारा मिलते हैं। जैसे कि पता था कि वाइफ वीक फील कर रही है, तो उसके लिए मैंने कुछ सेब और क्या खरबूजा ये थोड़ा सा मैंने काटा है कि ये खाने के बाद शायद उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए उसको देते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी उसके अंदर आए। तो चलते हैं, हम लोग आ गए हैं। फ़िलहाल इस कमरे की लाइट बंद है तो लाइट चालू करते हैं ये। तो मैडम ज़रा उठिए, और ये आपके लिए देखिए मैंने कुछ सेब और खरबूजे काटे हैं, ये आप खाइए, थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। तो ये सेब और खरबूजा थोड़ा सा खा लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा, लेकिन काम तो फिलहाल आज मुझे ही करना है पूरा, ये मैं जानता हूँ, और सारा काम मैं जल्दी कर भी दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बता दो कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, अभी अभी ठीक लग रहा है कुछ। चलो सेब और खुजा खाओ, पहले से और अच्छी हो जाओगी। तो मैं खिला दूँ, फिर दूसरा काम देखते हैं, फिर क्या टास्क है अपना।
तो भाई लोग जैसे सारे टास्क मैंने धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, अब उस टास्क के बाद अब मेरा ये नया टास्क है ये दुबई में लंच बनाना। तो लंच में मुझे कुछ ज़्यादा बनाने आता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ। नमकीन चावल थोड़ी सी गीली गीली रहेगी तो खिचड़ी ही कहेंगे, नमकीन चावल बहुत सूखा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये देखिए ये आइटम मैंने काट लिए हैं। ये मैंने प्याज काट लिया है, ये मैंने लहसुन काट लिया है, और ये मैंने ये कुछ गोभी और आलू के पीस रखे थे वो मैंने काट लिए, क्योंकि ये डालूंगा तो टेस्ट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और टमाटर चूँकि मुझे खड़ा पसंद नहीं है इसलिए मैं पीस के डालता हूँ, क्योंकि बीच में खड़ा टमाटर था तो खाने का मज़ा नहीं आता। आप लोग खाते होंगे, जो कोई खाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं, तो इसे मैंने पीस लिया। ये लहसुन और अदरक मैंने पीस लिया। गैस जल चुकी है, कुकर चढ़ चुका है, तो अब धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले इसमें तेल डालना है और इसको तेल डालेंगे। ये सब कुछ पूछा मैंने बीवी से ही है, क्योंकि मुझे बनाने आता नहीं है कुछ भी, तो बस आज तबीयत उसकी ख़राब है तो इसलिए थोड़ा सा बना रहा हूँ। ये चावल ही मैंने धुल लिए हैं और थोड़ा सा भिगो दिए हैं ताकि थोड़ा सा फूल जाए, उसने कहा था इससे चावल अच्छे बनते। तो फिलहाल अब थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें। ये ये तेल मेरा हो गया, ये थोड़ा सा और डाल लेते हैं। हाँ, ये तेल डाल दिया। अब धीरे धीरे आइटम सारे भूज लेंगे और उसके बाद फिर कुकर बंद करके फिर मैं पूछता हूँ मेरे लिए अगला टास्क का है, वरना फिर नहाना है, सुबह से नहाया नहीं होगी तो मैं ठीक है। दोस्तों यहाँ चल रही है मेरी लंच की प्रिपेयरिंग। ये देखिए किस तरह मसाले और सब आइटम मैंने दाल चावल इसमें मिलाए हुए हैं। तो फिलहाल मैं सब कुछ डाल चुका हूँ, मसाला अपना आलू गोभी प्याज चावल दाल पानी, दो गिलास चावल दाल था मिला के, तो मैंने 5 गिलास पानी डाला है। तो अब कुकर तो काफ़ी भर गया है, बस कहीं ख़राब ना हो ये दुआ करिएगा। मैं भी ये दुआ कर रहा हूँ, पहली बार बना रहा हूँ। तो अब इसको बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। जब तक खाना बन रहा था तो वाइफ ने बोला मैं कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, तो मैंने फिलहाल उसके लिए कॉफ़ी रेडी कर ली है। ये अपनी जो बैठने वाली है ये बैठ लिया है मैंने, ये इसमें डाल दिया है और अपने लिए भी मैं बना रहा हूँ, दूध मैंने गर्म कर दिया है। तब तक कॉफ़ी बना के सोचो ताकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स लगे, ठीक है, और फिलहाल कुछ और काम करते हैं उसके लिए। तो अब यहाँ हमारी कॉफ़ी बन के प्रॉपर रेडी हो चुकी है जिसे आप देख रहे हैं, और सिर्फ पीने के लिए भी हम रेडी हैं। चलते हैं रागनी के पास और उसको पिलाते हैं ये गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो अब ये कॉफ़ी लेके हम जा रहे हैं रागनी के पास, और मे बी वो रेडी हो जाए और लाइट ऑन कर ले, लाइट इस कमरे की ऑफ करके बैठी है ये। तो ये पेश है तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी जैसे तुम्हें डिमांड की थी, और इसे लीजिए और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करिए। फिलहाल अपना नमकीन चावल रेडी है, और मैंने तो कम बनाया था, ये पूरा कुकर भर गया है। और सबसे पहले मैंने वानने के लिए निकाला है, और अभी इसको टेस्ट करके बताएंगे अपन लोग कैसा बना है। उम्मीद करता हूँ अच्छा बना हो, वरना पता नहीं बीबी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल ये रेडी है अपना रेडी, इसको खा के देखते हैं कैसा बना है। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए थोड़ा दही ले आऊँ नीचे जाके, और दही के साथ उसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो फिलहाल रेडी है मेरी खिचड़ी बन के, और मैं दही भी ले आया हूँ साथ में, खीरा मैंने काट दिया है, अब इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो खाने का मज़ा लेते हैं, बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, फिलहाल दे दूँ मैं उनको, मेरी मैडम का खाना तैयार है। ओके चलो खाते हैं, आप भी खाओगे तो पापा मम्मा खाएंगे। मेरा लंच आ गया है, देखिए पूरे 2 घंटे लगे इनको बनाने में, और एक मज़ेदार बात बताओ, उसमें नमक ही नहीं है। मैं नमक लेके बैठी हूँ, अब इसमें मैं नमक डालूंगी फिर खाऊंगी, इसमें इन्होंने नमक ही नहीं डाला, या डाला होगा कम है, कुछ पता ही नहीं चल रहा नमक है या नहीं है। अब ये यही बताएंगे कि इन्होंने नमक डाला है कि नहीं डाला है। नमक डाला था
मुझे रशद कम रह गया है अब आदत नहीं बनाने की, जैसा बना है यही है। कोई नहीं चलेगा, ये तो मिला कम से कम। अब नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करेंगे, अभी रात का डिनर बाकी है। लंच में तो फिलहाल नमक कम निकला है, अब रात को ध्यान दूंगा कि नमक सही रहे। अब मिलते हैं रात को कि रात पे क्या करते हैं। बाय दोस्तों, थैंक यू हमारी वीडियो को पसंद करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपको और देखने को मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे टन घंटा जरूर बजाएं ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आपको देखने को मिले। थैंक यू, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय दोस्तों।